रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो नाल को ही कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। सनोफर देव सिंह नाँ का व्यक्ति से 24 साल का शेरपुर महल्ले का। एक कल इनफॉर्मेशन आई सी अर्ली मॉर्निंग इन्हें जोड़ा वै अपने आप को आ ला के सुसाइड कर लिया जो संबंध में के ए हरदेव सिंह फादर की स्टेटमेंट ली गई है। इन्हें अपनी स्टेटमेंट दसिया भी रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। इस करके इन्हें जो फा लै लिया संबंध में जो रेलीवेंट सैक्शन है वो तहत केस रजिस्टर करता गया। केस रजिस्टर करता गया जी सिमी महंत अगेंस्ट एंड वो अरेस्ट पाती गई है। रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो नाल को ही कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। सनोफर देव सिंह नाँ का व्यक्ति से 24 साल का शेरपुर महल्ले का। एक कल इनफॉर्मेशन आई सी अर्ली मॉर्निंग इन्हें जोड़ा वै अपने आप को आ ला के सुसाइड कर लिया जो संबंध में के ए हरदेव सिंह फादर की स्टेटमेंट ली गई है। इन्हें अपनी स्टेटमेंट दसिया भी रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो को ही कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। इस करके इन्हें जो फा लै लिया संबंध में जो रेलीवेंट सैक्शन है वो तहत केस रजिस्टर करता गया। केस रजिस्टर करता गया जी सिमी महंत अगेंस्ट एंड वो अरेस्ट पाती गई है। रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो नाल को ही कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। सनोफर देव सिंह नाँ का व्यक्ति से 24 साल का शेरपुर महल्ले का। एक कल इनफॉर्मेशन आई सी अर्ली मॉर्निंग इन्हें जोड़ा वै अपने आप को आ ला के सुसाइड कर लिया जो संबंध में के ए हरदेव सिंह फादर की स्टेटमेंट ली गई है। इन्हें अपनी स्टेटमेंट दसिया भी रीसेंटली 1.5 साल पहले यदि मैरिज हुई थी एक सिमी सिमी महंत है वो नाते वो नाल को ही कोई वो सिमी महंत जी कोई पैसे वास्ते प्रेशराइज कर दी सी। इस करके इन्हें जो फा लै लिया संबंध में जो रेलीवेंट सैक्शन है वो तहत केस रजिस्टर करता गया। केस रजिस्टर करता गया जी सिमी महंत अगेंस्ट एंड वो अरेस्ट पाती गई है।